छपारा थाना क्षेत्र के पिपरढाना ग्राम में रम्मू उइके की लाश 17 अगस्त को कुएं में मिली थी, जिस पर परिजनों ने 17 अगस्त को छपारा थाने में मर्ग कायम कराते हुए बताया था कि 15 अगस्त की शाम से रम्मू उइके, जो कि खेती किसानी और मवेशी चराने का काम किया करते थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। तब उन्होंने आसपास पता लगाया तो गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी लाश एक कुएं में तैर रही है, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि परिजनों के द्वारा उक्त घटना के बारे में पहले तो कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया जाता है कि परिजनों ने शिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को एक शिकायत करते हुए गांव में ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि रम्मू उइके की मौत कुएं में डूबने से नहीं, बल्कि खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए फैलाए गए बिजली के तारों से करंट लगने से मौत हुई है। शिवनी घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। घटनाक्रम हुआ, आपके पिताजी का किस तरह से मौत हुई, पहले तो कुएं में डूबने की बात सामने आई, बताइए। तो ये शंका हमको पहले से नहीं थी सर, कोई मतलब गांव में, गांव बस्ती में अगर लड़ाई दंगा रहता कुछ तो उसका शंका रहता है। फिर हमारा छोटा भाई राकेश हैदराबाद से आया, तो इसने एक दूसरे लोगों से पूछा गांव बस्ती में, तो विनोद के द्वारा ये जानकारी मिली कि तुम्हारे पिता की मौत कुआं में डूबने से नहीं हुई है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कुआं में ले जाकर फेंका, मतलब घास आस में रख के। पहले मौत कैसे हुई है उनकी? करंट से हुई सर, करंट फैलाते थे। पूरी बात बताइए, कैसे फैलाते थे? विनोद के घर के पास में एक खंभा है करंट का, तो वहाँ से जो लोग हर रोज मतलब करंट लगाते थे शाम को और सुबह निकाल देते थे सर, तो करंट लगाने से मतलब उनकी मौत रास्ते कभी काल, पगडंडी रास्ता है वहाँ से आते जाते भी लोग कभी काल, तो वहाँ से मतलब मेरे पिताजी गुजरते थे, उधर जाते समय इनकी मौत हो गई। फिर इनने उसी रात पूरी और मतलब दिन में घास में लुका कर रख दिए सर, ढाँक के। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम पुलिस प्रशासन से ये न्याय चाहते हैं सर, कि हमको न्याय मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मन में दिनांक 17/8/2020 को मृतक पक्ष के द्वारा ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मृतक रम्मू लाल उइके कुएं में डूबने के कारण मृत्यु हो गई, जिस संबंध में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था तो उसका पीएम किया गया है। अब घटना के कई दिनों बाद मृतक पक्ष ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर इनके द्वारा शिकायत दी गई है, जिस संबंध में जांच की जा रही है, यदि इसमें कोई तथ्य आएंगे तो संबंध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।